समझिए पूर्ण अफेक्ट, जो हमारे और आपके पूर्वजों के बीच जो समझौता हुआ था उस पर ये परिचर्चा चल रही है कि उससे हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। इस विषय हम सब लोग मिलकर यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? जैसे कि आपका ये फीडबैक, ये हालात कौन से ऐसे हालात क्या थे बताइए जो हाँ मुना पैक्ट्स है, जो हालात हुए यानी कि कैमरा हिले रिकॉर्डिंग चल रही, जो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच नर्मदा जेल में जो समझौता हुआ वो उसका क्या हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा, दलित समाज पर उसका जो है कि उसके कुछ अच्छे परिणाम कुछ बुरे परिणाम, उन्हीं पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आपने लिखा था, गांधी जी और कांग्रेस ने एकता के नाम पर चुनाव की व्यवस्था का विरोध किया, क्या विरोध था कुछ बताएंगे? विरोध बहुत सी बातें हैं विरोध की जी, जो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच थी जी, जिनसे डॉक्टर अंबेडकर कतई सहमत नहीं थे, उनका विस्तार में चर्चा करना नामुमकिन है, उससे दलित समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठ गए उसके बाद उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा पूना पैक्ट का, और उन्होंने ये कहा, ये मजबूरी में कहा कि ये दस्तखत जो है मैं बहुत ही दबाव और मन से नहीं कर पाया। पूना पैक्ट पे आज जो आपका परिचर्चा है इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि उनकी जो उससे जो हालात हमारे सामने बने थे उनसे हम कैसे बचें, कैसे उनसे उभरें, कैसे समाज में प्रोग्रेस करें, ये सब हम आज जो है इस पूना पैक्ट विषय रख के जो बातचीत कर रहे हैं परिचर्चा। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।